हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो स्टिल प्लस फोर पे हरियाणा गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी उसकी रिकमेंडेशन आ गई है, जो लास्ट टू टाइम तो नहीं आ पाई बट जो रिसेंटली अभी आ गई है उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है स्टिल प्लस फोर के ऊपर। पहले हम बात करेंगे पास्ट की कि एक्चुअली में कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी। अगर आप पर्टिकुलर हरियाणा की बात करोगे तो पहले फरवरी 2023 से पहले की बात करूँ तो 180 स्क्वायर यार्ड से ऊपर के प्लॉट पर आप स्टिल प्लस फोर फ्लोर की आप डेवलपमेंट कर सकते थे, बट बीच में जो एक डिसीजन आया था चंडीगढ़ का, फिर उसके बाद पंचकुला में जो है स्टिल प्लस फोर बैन किया गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद जितने हरियाणा के अदर डिस्ट्रिक्ट की आरडब्ल्यू उनकी तरफ से भी आया था कि यहाँ पे भी है जो बैन होना चाहिए। रीज़न आरडब्ल्यू का ये था कि ड्यू टू दिस जो स्टिल प्लस फोर की डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने अलाउ किए है उसके कारण जो एग्जिस्टिंग सेक्टर है उनके इंफ्रा पे काफ़ी प्रेशर पड़ा है, चाहे वो ड्रेनेज हो, सीवरेज हो, वाटर हो, आपका पार्किंग हो और एक प्राइवेसी हो, जो भी है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो उनका ये कहना था कि अंटर हमने जब तक गवर्नमेंट इंफ्रा को बूस्ट नहीं करती स्टिल प्लस फोर पर जो आपका होल्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट ने फरवरी 2023 में एक नोटिफिकेशन निकाला और ये इस पर बैन कर दिया। बट दूसरी साइड जिन प्लॉट ओनर ने लिया हुआ था या जो चाहते थे कि नहीं स्टिल प्लस फोर की डेवलपमेंट होनी चाहिए तो उनकी तरफ से भी ये दिया गया कि उन्होंने मैक्सिमम फार के ऊपर जो अपना अमाउंट दिया, बाकी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और भी चीज़ें हैं तो उनको कहीं ना कहीं लॉस होगा और इंफ्रा को बढ़ा के गवर्नमेंट जो है स्टेट प्लस फोर को अलाउ कर सकती है। फिर गवर्नमेंट ने उस टाइम मार्च 2023 के अंदर जो है कमेटी बनाई जो एक आईएएस हेड कर रहे हैं, बाकी अदर भी जो डिपार्टमेंट है जिनका अप्रूवल में एक रोल होता है वो डिपार्टमेंट भी इसके अंदर थे और एक कमेटी बनी थी जिसमें एक सर्वे भी हुआ था और सर्वे में मोर देन 50% लोगों ने कहा था कि एस स्टिल प्लस फोर जो है ऑन होना चाहिए और बंद नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की कि इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है। फर्स्ट जो रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आई है कि न्यू सेक्टर के अंदर अगर इंफ्रा कैटर कर सकता है 18+ पर्सन को पर प्लॉट के ऊपर तो फिर वहाँ पे अलाउ किया जाएगा न्यू सेक्टर के अंदर। ओल्ड सेक्टर में 12 मीटर रोड पे अलाउ करेंगे जहाँ पे इंफ्रा को बढ़ाने का एक स्कोप हो ओल्ड सेक्टर के अंदर। थर्ड उन्होंने ये किया कि जो आपकी जो हाइट थी हाइट को 16.5 मीटर से 15 मीटर की रिकमेंडेशन दी है क्योंकि एक आरडब्ल्यू की तरफ से था कि एक प्राइवेसी, एक वो जो एक हाइट के कारण जो इनका एक हवा पानी का जो एक वो रहता है कि वो नहीं आ पा रहा है तो इस चक्कर में जो हाइट भी है जो 16.5 मीटर से 15 मीटर की रिकमेंडेशन दी गई। याद रखिए रिकमेंडेशन है, मानना ना मानना हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर है। उसके बाद फोर्थ जो आया है कि जो एक पहले वॉल्ट शेयरिंग होती थी वो वॉल्ट शेयरिंग के कारण जो साथ में जो भी ऑलरेडी अगर बिल्डर फ्लोर होते थे तो उनमें काफ़ी डैमेज होता था, जैसे अगर न्यू प्लॉट ओनर अगर डिगिंग का काम कर रहे तो कई बार साथ वाली बिल्डिंग में टिल्ट भी पड़ जाते थे और काफ़ी चैलेंजेस रहते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि वॉल शेयरिंग नहीं होगा और अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो एग्जिस्टिंग जो है उसको वो पे करना पड़ेगा साथ वाले जो भी नेबर है। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन आई है कि एक कमेटी बनेगी उसमें डिप्टी कमिश्नर जो है उसको हेड करेंगे और वो देखेगा कि अप्रूवल को देखेगा कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग सेक्टर के अंदर अगर इंफ्रा ठीक है तो वहाँ पे वो अप्रूवल दे सकते हैं करंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन आई है जिसके अंदर ये देखा गया है कि स्टिल्ट का लोग मिसयूज़ करते हैं तो एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी जो रिकमेंडेशन में आई है कि जो देखेगी कि स्टिल्ट का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के बाद जो है गार्ड रूम भी बन जाते हैं, सर्वेंट क्वार्टर भी बन जाते हैं, मल्टीपल चीज़ें आती हैं तो जहाँ पे अगर कुछ दिक्कत होगी तो क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है उसके ऊपर एक्शन लेगी। इसके अलावा दो और रिकमेंडेशन है। इसके अलावा कमेटी जो है ये भी चेक करेगी कि जो पास परमिशन दी गई है उसका मिसयूज़ तो नहीं हुआ, वहाँ पे इंफ्रा का क्या स्टेटस है वो भी चेक करेंगे। और लास्ट रिकमेंडेशन जो आई है उसमें ये है कि ये जो अप्रूवल है वो अप्रूवल जो स्टिल प्लस फोर का होगा वो सिर्फ फैमिली एकोमोडेशन के लिए होगा, ना कि हॉस्टल, हॉस्पिटल और किसी अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। ये कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं। ऑल दो सारी रिकमेंडेशन तो नहीं मार्केट में आई, रीज़न मीन क्योंकि मेन पॉइंट जो यहाँ पे छूट गया वो है DDJY, क्योंकि पहले जो अप्रूवल था वो DDJY के अगर मेन फीचर की बात करो तो यही था कि स्टिल प्लस फोर वहाँ पे भी अलाउ होगा जहाँ पे आपका 180 गज का प्लॉट नहीं है, जो DDJY का मेन जिसके कारण लोग उसमें एंटर किए थे जितने भी प्लॉटिंग आई है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दी जो पीपल एंटर किए थे उसमें वो रीज़न यही था कि वहाँ पे स्टिल प्लस फोर अलाउ था और वहाँ पे ही गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया। वो माइट भी हो सकता है कि कमेटी ने रिकमेंडेशन कुछ दिया और DDJY के बारे में, बट उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है और हो सकता है कि जानबूझकर उसको रखा गया हो। कि मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि DDJY में तो अप्रूवल आना ही चाहिए, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे
जो इतने महंगे रेट पे अगर बंदा ले भी रहा है प्लॉट, महंगा रेट तो नहीं कह सकते, मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं रेट ठीक ही होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक गलत होगा कि स्टील प्लस फोर कहकर आप स्टील प्लस थ्री की आप उसको परमिशन दे रहे हो, तो वो देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसका टेक आउट निकालें कि इस रिकमेंडेशन से क्या निकल के आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो 12 मीटर रोड के ऊपर अगर आपका प्लॉट है तो वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करेगी, बट उसमें भी गवर्नमेंट ने जो एक रिकमेंडेशन जो कमेटी ने डाली है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रा जो है बूस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। न्यू सेक्टर के अंदर भी देखो तो 18% पर प्लॉट आया, बट उसमें भी वो इंफ्रा को देख के लेंगे, ये भी एक टेक अवे हमारा यहाँ पे है। बाकी DDJY के ऊपर जैसे मैंने बताया कि अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं आया, तो वो माइट भी हो सकता है कि रिकमेंडेशन में होगा बट मार्केट में वो नहीं आया, तो वो तो हरियाणा गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेना है। सो ये था एक स्मॉल अपडेट स्टेट प्लस फोर पे, जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी उसके फाइनली जो है रिकमेंडेशन आ गए हैं। बाकी जैसे भी आगे अपडेट आएगा हरियाणा गवर्नमेंट का वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसके लिए चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं वीडियो बनाने से पहले डिटेल डाल देता हूँ, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मुझे जो लगता है कि इलेक्शन तक जो है आई डाउट कि कोई इसका फाइनल डिसीजन निकलेगा, बट वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट सरप्राइज देने के लिए तो फेमस है ही, बाकी देखो इसके अंदर क्या सरप्राइज निकल के आता है। बाकी अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और चैनल को अगर अभी आप तक हमें सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करें, और बाय।